यहाँ पे मैं आलू के पराठे बना रही हूँ और आलू बॉईल कर दिया है मैंने, इसमें नमक डाल दिया है और ये है मिर्च लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास मिर्च और लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप मिर्च और लहसुन काट के भी ऐड कर सकते हैं फ्राई करते समय ऑयल में। और ये मैंने धनिया पत्ती काट के रख दिया है, तो ये सारा कुछ मैं एक साथ मिला लूँगी बॉयल्ड आलू में, नमक लहसुन और मिर्च का पाउडर और ये धनिया की पत्ती एक साथ मिला लूँगी। और यहाँ पे मैंने काट के रख दिया है प्याज, इस प्याज को मैं ऑयल में फ्राई करूँगी। और ये पैन में ऑयल मैंने डाल दिया है, तो इस पैन में ऑयल जब गर्म हो जाएगा पहले मैं डालूँगी जीरा, और जीरा डालने के बाद इसमें मैं प्याज डाल के फ्राई करूँगी। मेरे घर में ये जीरा अच्छे से पक जाने के बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, और तब तक मैं ये जो मैंने आलू वगैरह सब कुछ तैयार किया है इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हाथ से मिक्स करने से ना नमक जो होता है आलूओं में अच्छे से मिक्स हो जाता है। और ये देखिए मैंने इसमें आलू की स्टफिंग तैयार कर दी है और हाथ से अच्छे से मसल दिया है, इसमें कहीं भी गुठलियाँ नहीं है आलू की। मैश किए हुए आलूओं में अमचूर डालें, अगर आपके पास अमचूर हो तो। मेरे पास अमचूर नहीं है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारी दुकानें बंद हैं। और जीरा हो चुका है पैन में अच्छे से, तो मैं इसमें कटे हुए प्याज डाल दूंगी और प्याज को मैं ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करूंगी, बहुत सारे लोग गोल्डन ब्राउन भी करते हैं। मैं थोड़ा सा कम ही पकाऊंगी क्योंकि प्याज का जो थोड़ा सा मीठा मीठा सा टेस्ट है वो रह जाए इसमें। ये देखिए प्याज कुछ इस तरीके से हो गया, हल्का हल्का, मतलब पूरा अच्छे से फ्राई नहीं किया मैंने, सॉफ्ट होने तक इसको फ्राई किया है। और जीरा भी इसमें अच्छे से कुक हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर। हमें अगर मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो इसी स्टेज पे आप मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या आप मिर्च को अनियन के साथ फ्राई भी कर सकते हैं, फ्लेम को कम कर देंगे। प्याज भून रही हूँ मैं यहाँ पे, और अगर आप अदरक खाते हैं तो अदरक भी इसमें डाल सकते हैं। कुछ रीजंस की वजह से मैं इसमें अदरक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे को अदरक खाना मना है, तो इसलिए मैं इसमें अदरक नहीं डाल रही हूँ। बेटे को अदरक ज़्यादा खाना मना है, तो मैं जो चीज़ उसको खाने को देती हूँ उसमें अदरक अवॉइड करती हूँ। मोस्टली चाय में तो डाल ही लेते हैं हम क्योंकि वो चाय नहीं पीता। ये आलू डाल देंगे हम जो हमने मैश करके तैयार किया था। फ्लेम को तेज कर दिया मैंने और इसको अच्छे से भूनूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी, एक अच्छा सा जो फ्लेवर होता है गरम मसाले का वो आ जाएगा, जो अच्छी सी एक स्मेल होती है गरम मसाले की वो आएगी। ज़्यादा नहीं डालूंगी नहीं तो तीखा हो जाएगा। ये गरम मसाला डाल रही हूँ मैं और बस एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये मैंने देखिए अच्छे से इसको फ्राई कर दिया है, स्टफिंग में कहीं भी गुठलियाँ नहीं है। अब इसको हम थाली में निकाल के फैला देंगे ठंडा करने के लिए। जिस थाली में मैंने आलू की स्टफिंग तैयार की थी उसी थाली में मैं इसको रख दे रही हूँ और फैला के हमारा स्टफिंग है वो ठंडा हो चुका है। ये देखिए आटा गूंथ के रखा हुआ है और अब हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। हम ये लोई लेंगे, बहुत सी चीज़ें इसमें मैंने नहीं डाली हैं क्योंकि घर में थी नहीं और मैं इनको मार्केट नहीं भेजना चाहती थी। कई बार मैं आलू के पराठे में थोड़ा सा पनीर भी कट करके डाल देती हूँ, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए मैंने इसका ऐसे कटोरी बना ली आटे की। ये स्टफिंग भर दी है मैंने कटोरी बना के आटे की और इसको बंद कर दिया है। अब मैं इसको बेलूंगी और आटा आपका जितना है ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा पराठे उतने अच्छे बनेंगे। अभी आप मलाई डाल के देखिएगा आलू के पराठे वाले आटे में, बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनते हैं, टेस्ट डबल हो जाता है इसका। ये मैंने पैन में डाल दिया, फ्लेम तेज कर दी है क्योंकि पैन आपको मैंने बताया कि मोटे तले का है, इसलिए मैंने हाई फ्लेम कर दिया है। और अब मैं दूसरा पराठा भी बना लूँ। ये देखिए मैंने लोई बना ली और ये सूखा आटा लगाया, कटोरी बना ली आटे की। और जब तक भर भर के स्टफिंग ना हो पराठे खाने का तब तक मज़ा नहीं आता है, तो हम तो भाई भर भर के स्टफिंग डालने वाले पराठे बनाते हैं, थोड़ी सी स्टफिंग में अच्छा नहीं लगता, पता ही नहीं चलता है स्वाद।
हमने तो भर भर के स्टफिंग डाली है आलू की, ये दबा दिया इसको, फिर से सूखा आटा लगाया और थोड़ा सा ये ऐसे कर लिया। ये देखिए पलट दिया हमने पराठे को और ये घी लगा के सेक दूंगी। मैं घी लगा रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं, मैंने घी का यूज किया है। और जब तक ये सिक रहा है दूसरे वाले पराठे को बेल लेते हैं। आप देखिए कहीं से भी पराठा फट नहीं रहा है ना। और इस पराठे को मैंने पलट दिया है, ये देखिए इस पराठे को मैंने पलट दिया और इसकी तरफ भी घी लगा, मैंने इसे पलट दिया है और पलट के अलग पलट के दोनों तरफ अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक दूंगी। और ये देखिए बस ये बन के तैयार हो गया। मैं पराठा बनके बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी और यम्मी पराठा बना था। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। और लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, नई वीडियो पसंद आएगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, बट कर जरूर दीजिएगा लाइक या डिसलाइक कुछ भी। सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत सारा धन्यवाद। तो चलिए फिर से मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।